ओके तो स्टार्ट करते हैं आज M2D का फर्स्ट क्लास है आज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखो, जो आपने देखा था कि ये आपको दिख रहा है, एक बंदा यहाँ से फुटबॉल को लात किक कर रहा है और ऐसे करके जा रही है, यस और सर। यहाँ से फुटबॉल को किक कर रहा है, ऐसे करके जा रही है फुटबॉल। देखो, जा रही है कि नहीं, ऐसे करके यस जा रही सर। है। मतलब सेम टाइम पे दो डायमेंशन मुझे चाहिए इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लो यहां से कोई बॉल मेरी यहां पे आई, तो मान लो मेरी बॉल यहां पे, मुझे इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो डायमेंशन चाहिए। देखो, पहली तो मेरे को बतानी होगी कि इस इनिशियल पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, यानी कि यहां पे कितना चला, ये वाली, इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली और मेरे को ये पोजीशन भी बतानी होगी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी चला, इसको हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। बोलो चंका, यस सर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, M2D बोलते हैं। ये आपने डेली लाइफ में बहुत जगह पे देखा होगा, काफी जगहों पे देखा होगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसमें, और आप जनरली अपने घर पे भी, छोटा भाई मान लो दूर बैठा हुआ, उसको कैच कराते भाई पेंसिल पकड़ या रबर इरेजर पकड़, ऐसे करके देते हैं ना। बोलो, सर। इस तरह से आपने कई जगह पे देखा होगा प्रोजेक्टाइल। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें देखते हैं, आते हैं टॉपिक पे मेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टेड इनटू एयर सब्जेक्ट टू ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, अभी भी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन एक्सिलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक जो ट्रांजेक्टरी में मोशन करे, जैसे एक तो मोशन होती है ऐसे ऊपर जा रहा है सीधा नीचे आ रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन ये ऐसे करके जा रहा है, एक ट्रांजेक्टरी बना रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, द इनिशियल वेलोसिटी विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड। जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। लॉन्च एंगल उस एंगल को बोलेंगे जिस एंगल से आपका ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है। जैसे मान लो कि इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कोई इस एंगल से फेंका जा रहा है, मान लो थीटा एंगल, तो ये जो थीटा है वो आपका क्या है, लॉन्च एंगल। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि यहां इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस चला, इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। सिमिलरली टाइम ऑफ लाइट उसको बोलेंगे कि यहां से इनिशियल पॉइंट से या टोटल यहां फाइनल पॉइंट तक आने में कितना टाइम लिया उसने, उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और मैक्सिमम हाइट किसको बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट उसको बोलेंगे जहां पे इसकी प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम होगी, एच मैक्स। जरा इसको, सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो, ये जो यू से फेंका जा रहा था ना, ये आपका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और जहां पर ये आर है, ये आपका मैक्सिमम हाइट होता है, जहां पर यू इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, आपकी वेलोसिटी जो थी वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी, वी यू वाई, या फिर बोलो यू वाई, आपका कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे मैक्सिमम हाइट पे हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचता था, अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते थे तो हमारा मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी जीरो होती थी, सेम टू सेम हमारा मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसका रुके हुए का, इस एनिमेटेड पार्ट का रुका हुआ पोर्शन देखो, जैसे मान लो इस यहां से यू वेलोसिटी से फेंका गया है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये है आपका प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, और ये पॉइंट ए पॉइंट जहां पे आपका वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जैसे देखो, आप अगर यू वेलोसिटी से फेंक रहे हो थीटा एंगल पर, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल में ये वाला एंगल थीटा है, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इसको बोलेंगे यू साइन थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक बात बताओ, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन किधर लगता है मेरा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है कि नहीं, यस सर। तो हॉरिजॉन्टल में क्या एक्सेलेरेशन होगा, इसमें फिर एक्सेलेरेशन जीरो हॉरिजॉन्टल में,
ये एक्स मेरा क्या होगा, जीरो होगा। तो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सिलरेशन नहीं होगा, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन होगा, ओनली ऑन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन होगा। अब देखो यहां से जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट गया, तो यहां मैक्सिमम हाइट जिस पॉइंट पे हमारे ऑब्जेक्ट का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाए, उसी हाइट को हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, एच मैक्स, एच मैक्स बोलते। वहां पे ओनली हॉरिजॉन्टल, अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सिलरेशन नहीं है तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है तो उसकी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज करने वाले हैं, पहले क्या करते थे ओनली वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन यूज करते थे, अभी भी वर्टिकल में ही करेंगे, हॉरिजॉन्टल में तो एक्चुअली क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हमारा एक्सेलरेशन जीरो है तो हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला काम आ जाएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस एस टी इक्वल टू डी। इसमें क्या होता था, एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यही वाला फॉर्मूला आएगा हॉरिजॉन्टल में तो काम हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं जरा फॉर्मूला ड्राइव करना, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। जैसे देखो हमें सबसे पहले देखना है कि एक सेकेंड कहाँ गया फोटो, कहाँ गया, जैसे आप देख पा रहे होगे यहां से जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, x कंपोनेंट क्या है मेरा, यू एक्स क्या है मेरा, यू कॉस थीटा, यू वाई क्या है मेरा, यू साइन थीटा, और हमारा वर्टिकल हाइट जहां पे मैक्सिमम हाइट हो जाता है, h मैक्स हो जाता है, h मैक्स हो जाता है, वहां पे यू वाई मेरा क्या हो जाता है, जीरो। तो हम सबसे पहले निकालने वाले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ ओ पॉइंट से, जीरो पॉइंट से यहां तक आने में, बी पॉइंट तक आने में टोटल जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। आपको याद है वो वाला टर्म कि जब हम मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन पढ़ते थे, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो वो सीधा नीचे की तरफ आएगा, इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं होता था, वो वाली मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। उसी टाइप की इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। हमने सबसे पहले इक्वेशन यूज की टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, हमें यू वाई पता है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की एक चीज और याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट वो हमेशा कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेंगे, यू वाई कंपोनेंट, यू वाई कंपोनेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट हमेशा डिपेंड करेंगे यू वाई कंपोनेंट पे, और हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करेगी, भाई हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स डायरेक्शन चल रही है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, यू एक्स पे, क्या है मेरा, यू कॉस थीटा, इस पे डिपेंड करेगी। तो हम सबसे पहले करते हैं वाई डायरेक्शन कैलकुलेशन करते हैं, एस वाई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो हम वाई डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं तो एस वाई इक्वल टू यू वाई t plus half a y t square। a y क्या है हमारा, y direction में a y क्या है मेरा, zero, a y y y बेटा a x zero है ना, a y मेरा minus के g है, yes sir, भाई a x zero है मेरा, a y zero नहीं है, yes sir, a y t square तो s y। अच्छा देखो एक बात बताओ, यहाँ से start हुआ ऊपर गया नीचे की तरफ वापस आ गया, या फिर यहां पे आता था या फिर यहां पे आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन कितनी डिस्टेंस चल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो जीरो हुआ ना, हुआ कि नहीं, यस सर, वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को जीरो पुट कर दिया, यू वाई क्या है मेरा, यू साइन थीटा इंटू टी को स्मॉल टी को कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, हाफ माइनस जी की जगह एक ए वाई की माइनस जी माइनस आगे आ गया हाफ टी स्क्वायर। तो यहां से देखो अगर इसको उधर ले जाओगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा t का फॉर्मूला आ जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये हमारा फॉर्मूला आया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो लो चमका, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि
कि t इक्वल टू टू यू वाई डिवाइडेड बाई जी वाई ए वाई, ये हमारा जनरल, चलो ऐसे ही ठीक है, चलो टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आएगा। मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट पे मुझे पता है वी यू बाई सॉरी फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगी, जीरो होगी, मतलब वी वाई मेरा जीरो होगा। तो हमने इक्वेशन अप्लाई की वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, तो वी वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए वाई जी वाई, ए वाई क्या मेरा माइनस के जी था, ए वाई माइनस के जी है, तो वी वाई तो मेरा जीरो है, यू वाई UI मेरा U sin theta है ना, U square sin square theta equal to, अब AY की minus के G put कर दिया, SY, SY मतलब H max निकालना चाहते हैं, H max निकालना चाहते हैं, SY मेरा H max है, तो यहाँ H max देखोगे, क्या आएगा, U square sin square theta divided by 2G, देखो minus से minus cancel हो जाएगा, तो मेरा ये H max का formula आ गया। अगर आपको ये formula याद नहीं भी रहती ना, तो आपको concept याद अगर है, तो formula याद नहीं भी होंगे तब भी question में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम फॉर्मूले थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि याद कर लें। अब हम निकालते हैं क्या हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज यहां से लेके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भैया यहां तक कितनी डिस्टेंस चली है, ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस चली है, ओ टू बी डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, एस टी इक्वल टू डी, डिस्टेंस क्या मेरा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या मेरा u cos theta, तो u cos theta टाइम पीरियड हमने निकाल दिया था 2u sin theta divided by g, तो 2u sin theta divided by g, तो हमारा क्या हो जाएगा u into u, u square होगा कि नहीं, yes sir। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करवा देता हूँ, तो देखो u square into 2 sin theta cos theta divided by g, आपको याद हो तो हमने जब वो पढ़ा मैथमेटिकल टूल पढ़ा था उसमें फॉर्मूला था sin 2 theta का, क्या था, yes, 2 sin theta cos theta, तो यहां से हम 2 sin theta cos theta की जगह क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट sin 2 theta पुट कर देंगे, तो हमारा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा रेंज का कि u square sin 2 theta divided by g, अब हम इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि यहां से u को एक x के साथ रखो, ये क्या है मेरा, ये क्या है भाई uy है ना, ux सॉरी, ये मेरा ux है, ये मेरा uy है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 ux uy divided by g, ऐसे भी बोल सकते हो अगर आपके कंपोनेंट दिए हुए हैं डायरेक्ट, तो 2 ux uy divided by g, या फिर आप u square sin 2 theta divided by g बोल सकते, बोलो इतना चमका, फास्ट हुआ है क्या, देखो थोड़ा फास्ट वाले ही हो, लेकिन आई थिंक समझ में सब कुछ आया होगा, बाकी लोग यस सर, ओके अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन करो भाई, एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड, रेंज दे दिया है मतलब आर की वैल्यू दे दी है उसने 200 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी दे दिया कितना 5 सेकेंड, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसने पूछा है, निकालो भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसने पूछा है, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, आपको कंसेप्ट अगर याद है कि रेंज एक्चुअली में कैसे निकलता था,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्ट कर दोगे, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। एक बच्चे का आंसर आया है अभी, ओके okay. नेहा कुमारी आंसर बताओ बेटा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ओके भुवनेश्वरी चौहान, ऑप्शन सी। प्रीति संधु, सर सी ऑप्शन। आरुषि गाल्टा, ऑप्शन सी। ओके सो यू ऑल आर ऑप्शंस आर करेक्ट, सबके आंसर सही है। देखो हमारा रेंज निकालते कैसे हैं भाई, रेंज कैसे निकालते हैं, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो था फॉर्मूला। क्योंकि रेंज में एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, ए एक्स क्या होता है, जीरो होता है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है हमारा, रेंज हमारा यू एक्स इंटू टाइम, टाइम पीरियड। हमें यू एक्स उसने पूछा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा यू एक्स है, और रेंज उसने दिया है 200 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5, तो यू एक्स कितना होगा 200 / 5, कितना 40। देखा कितना इजी यार, हो गया भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ओके जरा ये क्वेश्चन करो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद स्पीड v0 एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के कोई बॉल फेंकी जा रही है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट साइकिलिंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड v0/2 टू कैच द बॉल, विल द पर्सन एबल टू कैच द बॉल, अगर हाँ क्या पर्सन बॉल को पकड़ पाएगा, इफ यस then what should be the angle of projection, अगर हाँ तो वो कौन सा एंगल होगा जिससे आप बॉल को फेंकना चाहोगे। करो भाई, छोटू सा कंसेप्ट है, किसमें अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन उड़ा दो गया। बॉल को कब पकड़ पाएगा ये देखो जरा, तो पकड़ पाएगा बॉल को, एक बच्ची का आंसर आ चुका है, आरुषि का आंसर आ चुका है।
अंशी गाल्ट आंसर बताओ बेटा, ऋषि गाल्टा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ओके। नेहा, नेहा कुमारी, नेहा कुमारी सर ऑप्शन डी ओके। नीलम सर ऑप्शन डी। भुवनेश्वरी चौहान सर ऑप्शन डी। पायल दीक्षित सर ऑप्शन डी ओके। सबका ऑप्शन डी है भाई। चलो ठीक है कोई ना। देखो अगर आप यहां से बॉल को फेंक रहे, माना कि थीटा एंगल पे फेंक रहे, और यहीं से सेम डिस्टेंस से, माना कि यहीं से हमारी साइकिल दौड़ रही है, यहीं से हमारा मान लो कोई साइकिल पर दौड़ रहा है, सेम इंस्टेंट पे वो इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। माना कि इसकी उसने दे रखा है वेलोसिटी v नॉट है, इसकी वेलोसिटी क्या है v नॉट बाई टू, तो हमें कब कैच कर पाएगा, जब ये यहां से ऐसे करके जब यहां पे पहुंचे तो ये भी वहीं पर पहुंच जाना चाहिए उस टाइम पे। यस और नो? यस सर। Yes, अगर ये पहले पहुंच गया तो आगे निकल जाएगा, पीछे रह गया तो बॉल जमीन पे गिर जाएगी, तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। यस और नो? इसका मतलब yes, अब ये सेम टाइम पे कब पहुंचेंगे, सेम टाइम पे कब पहुंच सकते हैं, जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। यस सर। वेलोसिटी सेम मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस v नॉट बाई टू के इक्वल होगा, तो क्या दोनों की अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सेम होगी तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं? यस सर। इसका मतलब मैं बोल दूं कि v नॉट का x कंपोनेंट होना चाहिए, या फिर बोलूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए v नॉट बाई टू के इक्वल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका, v नॉट cos थीटा इक्वल टू v नॉट बाय टू, v नॉट से v नॉट कैंसिल हो गया, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय टू, तो cos थीटा इक्वल टू cos किसकी वैल्यू होगी 1 बाय टू 60 की। यस सर। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। बॉल को पकड़ पाएगा, यस पकड़ पाएगा, एंगल क्या होगा 60, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। अच्छा आप लोगों ने क्या मिस्टेक की थी? हाँ भाई आपने क्या ले लिया था? प्रीति, प्रीति बताओ। सर मैंने सॉल्व नहीं किया था। अच्छा प्रीति ने सॉल्व। नीलम, नीलम सर मैंने थीटा को 90 मान के फिर वी नॉट को डिवाइड बाय 2 करके और उससे काट के 45 निकाला। अच्छा ठीक है चलो मिस्टेक की है मतलब, ठीक है कोई नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब जरा एक चीज बताओ मेरे को कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं बॉल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंक रहा हूं और डिफरेंट वेलोसिटी से भी फेंक रहा हूं, एक ही जगह पे जाके गिर रही है? नो सर। ये चलो वेलोसिटी सेम है, सेम स्पीड है, स्पीड सेम फेंक रहा हूं लेकिन डिफरेंट एंगल पे फेंक रहा हूं, तो सेम जगह पे जाके गिर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? यस सर। कैसे बेटा कोई बताएगा कैसे? यस होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। देखो जैसे अगर आप किसी बॉल को 15 डिग्री पे फेंको सेम वेलोसिटी से और सेम वेलोसिटी से 75 डिग्री पे फेंको,
तो दोनों की दोनों बॉल सेम जगह पे आके गिरेंगी। सिमिलरली अगर आप किसी भी बॉल को 30 डिग्री पे फेंको और उसी बॉल को दूसरी बॉल को 60 डिग्री पे फेंको सेम वेलोसिटी से, दोनों की दोनों बॉल सेम जगह पे जाके गिरेंगी, मतलब रेंज सेम होगी उनकी, रेंज सेम होगी, सेम जगह से मतलब है रेंज सेम होगी। सिमिलरली अगर आप 45 की फेंकोगे तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 हो, इनको बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब 90 माइनस थीटा और 90 क्या सॉरी थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस के थीटा के अगर कोई बॉल फेंकी जा रही है तो इनकी क्या होगी, अगर हमारा यू सेम है, यू सेम है तो हमारा रेंज क्या होगी, रेंज भी सेम होगी। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। द रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल व्हेन वन एंगल इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड अदर एंगल इज 90 माइनस थीटा विद वर्टिकल, वो जो 90 माइनस थीटा एंगल था वो वर्टिकल था विद द वर्टिकल एक्सिस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। हरी बात समझ में, देखो या तो आप एक काम करो, ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टली होगा बेटा, एक्चुअली में अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा यहां से हो जाएगा तो फिर कम गड़बड़ी है, 15-75 थोड़ी ना होगा, ये 90 माइनस के थीटा इधर से ही होगा 75 डिग्री। तो जो हॉरिजॉन्टल हम एंगल हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल से ही लो आपका, या फिर ये हो गए थीटा आपका हॉरिजॉन्टल से हो थीटा ही वर्टिकल से, ये भी थीटा अगर वर्टिकल से है तब भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो थीटा और 90 माइनस थीटा आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इन दोनों एंगल से अगर आपका कोई भी प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से फेंका जाता है तो उसकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। आ रही बात समझ में, बोलो आवाज आ रही मेरी, समझ में आई बात? नो सर। दोबारा देखते हैं, जैसे आपने किसी एंगल से कोई भी थीटा एंगल लिया, कोई मान लो 15 डिग्री एंगल लिया, 15 डिग्री एंगल से आपने कोई बॉल फेंकी, कोई भी बॉल फेंकी, तो 15 डिग्री एंगल से जितनी रेंज पे जाएगी बॉल सेम टू सेम, आप किस एंगल में फेंको, किस पे 75 डिग्री के एंगल में फेंकोगे, तो देखो 75 डिग्री के एंगल में होगा क्या, 15 डिग्री के में क्या होगा, थोड़ी सी हाइट पे जाके गिर जाएगी। तो देखो 75 डिग्री के एंगल में हाइट ज्यादा हो जाएगी लेकिन दूर ज्यादा नहीं गिरे, रेंज सेम हो। सिमिलरली अगर आप 30 डिग्री के एंगल में फेंकोगे तो हाइट, ये जो रेंज है, रेंज तो कम रहेगी, रेंज कम रहेगी और हाइट भी कम रहेगी, लेकिन जब आप उसी बॉल को 60 डिग्री के एंगल में फेंकोगे तो हाइट मैक्स ज्यादा हो जाएगी लेकिन रेंज उतनी रहेगी। उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर कोई भी बॉल फेंकी जाती है तो उनकी रेंज सेम रहती है, उनकी रेंज सेम रहती है। बोलो चमका। यस सर, यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन करो जरा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है उसने, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा,
2017 का क्वेश्चन है। एक बच्चे का आंसर आया। नेहा कुमारी आंसर बताओ बेटा। सी नेहा ऑप्शन सी ऑप्शन। सी ओके पायल पायल दीक्षित सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी। ओके देखो क्या करते हैं इसको। ठीक है तो हमारा ये क्या क्या रखा है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल, उसने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे दिया। देखो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 5t-k2t² और y कोऑर्डिनेट है हमारा 10t। उसने पूछा क्या है एक्सेलरेशन पूछा है भाई, तो एक्सेलरेशन हमें दोनों पार्ट कोऑर्डिनेट से निकालना पड़ेगा। तो पहले इससे निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए एक्स क्या वो सॉरी वी एक्स क्या होगा बेटा। पहले वी एक्स डी एक्स ओवर डी टी कितना होगा 5-2 आगे आ जाएगा 4t। और सिमिलरली एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा डी वी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा -k4 m/s² स्क्वायर आएगा कि नहीं। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे वी वाई क्या आएगा डी वाई ओवर डी टी यानी कि कितना 10। तो ए वाई कितना आएगा डी वी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 0। भाई 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो हमारा ए एक्स हमारा -k4 आया है ए वाई मेरा 0 आया। तो हमारा नेट एक्सेलरेशन क्या होगा भाई ए एक्स प्लस ए वाई। अगर वेक्टर फॉर्म में होता तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करते भाई से, तो -k4 i कैप प्लस 0 j कैप।
तो कितना आएगा माइनस के फोर आई कैप ऐसे आंसर होना चाहिए, बट इसने ओनली आई कैप को कंसिडर ही नहीं किया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी पे। ये क्या, जिस पाथ को हमारा ऑब्जेक्ट फॉलो करता है उस प्रोजेक्टाइल पाथ की कोई इक्वेशन भी तो होगी। जैसे आपने देखा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। सिमिलरली हमारे एक पाथ की इक्वेशन होती है, जो हमारा पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी भी एक इक्वेशन होती है। तो ये तो हम एक कुछ चीजें जो हमें पता है वो जरा देख लेते हैं कि हमारा, जैसे मान लो u वेलोसिटी से जा रहा है, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ux क्या होगा, u cos थीटा, और ui क्या होगा, u sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा x कोऑर्डिनेट में देखोगे आप, ax तो मेरा x कोऑर्डिनेट में 0 होता है, और ux क्या होता है, u cos थीटा। सिमिलरली अगर हम x कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो x, अभी देखो x इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स ए एक्स टी स्क्वायर, तो हमारा ए एक्स तो जीरो है ना, इसमें x डायरेक्शन में ए एक्स मेरा जीरो है, तो अब x क्या आ गया, u cos थीटा इंटू टी, या फिर एस टी डी फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, तो x इक्वल टू क्या आ गया, u cos थीटा इंटू टी, तो यहां से t निकाल लो, कितना x अपॉन u cos थीटा। इस t का हम यूज करने वाले हैं, इस t का हम यूज करने वाले हैं। अब हम आते हैं y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में आओ, y डायरेक्शन में आए, हमें हमें पता था कि ay कितना होता है, ay माइनस के जी, और uy क्या होता है, u sin थीटा, ये है लिख दिया हमने, u uy uy मेरा u sin थीटा होगा ना बेटा, ये गलत हो, uy u sin थीटा है, uy इस जगह पे जीरो होता है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो होता है, वो मैक्सिमम हाइट पे जीरो होता है, वैसे जीरो नहीं होता। ay मेरा माइनस के जी है, uy मेरा u sin थीटा है। अब फिर से हमने इक्वेशन लगाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हमने y इक्वल टू, एक्चुअली ये कौन सी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन, तो y इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ at स्क्वायर, u sin थीटा मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू t माइनस हाफ at स्क्वायर, a की जगह पे माइनस के जी t स्क्वायर, तो y आपका ये आया है, अब t की जगह क्या पुट कर दूं, x अपॉन u sin थीटा, yes sir, x upon u cos theta put kiya, similarly yahan bhi u t ki jagah pe kya put kar rahe, x upon u cos theta, to t ki jagah pe put kar kiya humne, yahan pe put kiya aur t square tha, yahan pe ho gaya x square u square cos square theta, koi dikkat yahan tak kisi ko bhi, no sir। ab dekho yahan se ye sin theta divided by ye wala cos theta, dekho u se u cancel ho gaya, तो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा, और ये एक्स था, तो एक्स टेन थीटा माइनस, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, जी एक्स स्क्वायर, ऊपर बचा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक इक्वेशन तो ये है हमारी, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हमने, क्या किया, इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा का डिवाइड कर दिया, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया और साइन थीटा का डिवाइड कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, वाई इक्वल टू हमारे, ये तो वही टर्म रहा, एक्स टेन थीटा माइनस जी स्क्वायर, ये वाला टर्म वही रहा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया हमने, साइन थीटा का डिवाइड किया। देखो साइन थीटा को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे आ गया टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस थीटा रखते हैं, और ये वाला साइन थीटा ले आते हैं, और जो ऊपर जी था उसको ले आते हैं नीचे, तो हमारा ये टर्म बनेगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इस ये किसी के इक्वल दिख रहा है मेरे को, किसके, रेंज के इक्वल, हमारा रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो टू थीटा को क्या लिख सकते थे, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं क्या, आर। और देखो ये वाला साइन थीटा और ये वाला कॉस थीटा क्या बना लेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा, ये दोनों मिलके बना लेंगे टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर टेन थीटा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे रेंज आर, इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, आर लिख दिया, तो देखो टेन थीटा एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, ये भी इक्वेशन, ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट है इसके कंपेरिजन, ये ज्यादा फेमस इक्वेशन है, एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस x अपॉन r, जहां पे r क्या है, रेंज,
आ रही बात समझ, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी आई समझ? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मत करो, देखो इस क्वेश्चन को हम बिना इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी के भी कर सकते हैं, और हम बिना, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी वाले क्वेश्चन को जितना आप बिना इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी के कर सको उतना बेहतर है, क्योंकि उसमें साइन कॉस टेन इतना ज्यादा लफड़ा रहता है, उसके चक्कर में हम इजी तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। आप कोशिश करो पहले किस तरीके से करोगे, फिर मैं कर पाऊंगा। करो पहले, पहले आप करो। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, हाउ फॉर द बॉल अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट। बैट से 50 मीटर दूर कोई एक फील्डर खड़ा हुआ है, उसके कितनी ऊपर होके बॉल जाएगी ये पता करना है अपन, कितनी ऊपर होके बॉल जाएगी। नीलम का आंसर आ चुका है अभी। नीलम ठाकुर आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। और किसी का आंसर आया? ठीक है, देखो
क्रिकेटर हिट्स अ बॉल ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। देखो उसने बोला है कि कोई क्रिकेटर है जिसने हिट एक बॉल को हिट किया है 25 मीटर पर सेकेंड से और थीटा एंगल यानी कि 60 डिग्री दे रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा मेरा? 25 cos 60 होगा कि नहीं? कितना होगा ये? 25 into cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/2। तो 12.5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा भाई? यू सॉरी यू यू के 25 है, 25 sin 60। साइन 60 क्या है? √3/2। 2 से ये 12.5 यानी कि 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? नो सर, नो अब सर। यहां से 50 मीटर डिस्टेंस पे है, मान लो यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, कोई फील्डर खड़ा हुआ है, तो इसने बोला है कि इस फील्डर के कितने ऊपर होके बॉल जाएगी। मान लो ये वाली हाइट उसने पूछी, ये वाली हाइट उसने पूछी, तो कैसे निकाल सकते? पहले तो एक बात बताओ, 50 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही होगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? कितने टाइम में 50 मीटर चलेगी, निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, STD से, ST=D, तो यानी कि रेंज, R का फॉर्मूला लगा दूं, UX × T। UR मेरा कितना है? 50 मीटर, और UX मेरा कितना है? UX, ये मेरा UX ही तो है, और ये मेरा क्या है? UY है। UX मेरा क्या है? 12.5 × T मुझे पता करना है, तो T कितना आ गया? 50/12.5 यानी कि 12.5 से 50 कितने टाइम कटेगा? 4 सेकेंड, 4 टाइम्स, देख लो 4 टाइम्स ही कटेगा। अब देखो मेरे को T पता चल गया, क्या मेरे को टी पता चल गया तो इसकी हाइट निकाल सकता हूँ, टोटल हाइट की ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे होगा कितनी हाइट पे होगा ग्राउंड से? यस एक्चुअली उसने ग्राउंड से पूछा है, मैं बोल रहा हूँ वहां से, यहां से पूछा है उसने ये वाली है। तो नाउ इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे वर्टिकल डायरेक्शन? S=UT+½AT² हाफ इट स्क्वायर। यस सर। S=UT+½AT² एस क्या है मेरा? एच है। यू क्या है मेरा? यूवाई। यूवाई मतलब, चलो यूवाई लिख लेते हैं, UI × T − ½GT²। एच मुझे निकालना है, यूवाई मेरे को पता है कितना, 12.5 √3 × T कितना है मेरा? T 4 है, माइनस हाफ जी मेरा 10 है, टी मेरा 4 है, मतलब 16। तो इसको सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व करोगे तो लमसम 8.2 मीटर है, ऑप्शन ए इज द। बोलो चमका, यस ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप तो उससे भी कर सकते थे, तो उससे इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी से, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी से कैसे करते? थोड़ा टाइम हो गया तो मैं उसी से बताता हूँ, चलो सॉल्यूशन से। देखो एक्स आपको दिया है, मान लो यहां से एक्स डिस्टेंस पे था, वो एक्स दिया है, यू दिया है, ये वाला 10 थीटा मतलब 10 60 √3 हो गया। तो पहले रेंज निकालो, U²sin²θ/g, U² में 25 है, sin²θ sin 120 हो गया, 60 मतलब 120 divided by 10, तो मेरा 31.3 √3 मीटर आ गया, किसमें? रेंज, टोटल रेंज, इसकी टोटल रेंज यहां तक की रेंज, ये डिस्टेंस आ गई मेरी, ठीक है। अब देखो आप इसको जब देखोगे तो हमारा पूछा गया इसमें y=x tan θ, 1 − x / r, x क्या है मेरा? x हमारा 50 मीटर है, x के 50 पुट कर दो, ठीक है, 50 पुट किया, टेन थीटा, टेन मतलब 10 θ मतलब 10 60, 10 60 वाले √3 √3 पुट किया, 1 − 50, 50 / रेंज, यहां से यहां तक जो टोटल रेंज थी क्या है मेरी, ये 31.25 √3 मीटर है, तो divided by ये, तो इसको भी सॉल्व करोगे क्या आएगा? 8.5 मीटर। तो यहां पे आपको रेंज निकालनी पड़ी तब जाके ये फॉर्मूला लगा,
वहां पे आपको बेसिक फॉर्मूले से हो गया, चॉइस आपकी है कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं। अरे बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको उसमें होमवर्क में दूंगा और हिंट दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट। अगर ये 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा मेरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों की रेंज में क्या पूछा है, रेंज में रेशियो पूछा है। रेंज में रेशियो क्या होगा फिर बताओ। वन रेशियो वन। वन रेशियो वन, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सॉल्यूशन करके भी देख सकते हो, ये अल्टरनेट मेथड में डाल दिया यूज का साइन टू थीटा बाय जी, अगर आप इसको भी रखोगे तो 1:1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में मेरे 5 क्वेश्चन है आपके, इनको करना है और ये उनके सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों? यस सर, थैंक यू। यस सर। ओके देन, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। Bye, bye, bye. Bye.